अंग्रेजी भाषा में मेडिटेशन शब्द का कोई मतलब नहीं है, तभी हर कोई इसका इस्तेमाल करता है। अगर आप आंखें बंद करके बैठते हैं तो अंग्रेजी में वे कहेंगे कि आप मेडिटेट कर रहे हैं। आंखें बंद करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप जप, तप, धारणा, ध्यान, समाधि, शून्य, कई चीजें कर सकते हैं। या हो सकता है कि आपने शरीर सीधा रखकर सोने की कला में महारत हासिल कर ली है। किसे पता कि आप आंख बंद करके क्या कर रहे हैं? आप अलग अलग चीजें कर सकते हैं। तो अगर हम मान लें कि मेडिटेशन का अर्थ ध्यान है, फिर से ध्यान शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया जा रहा है। आजकल इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है, पर इसका एक खास अर्थ है। इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ बैठते हैं तो आपका शरीर यहाँ है, आपका मन वहां है और आप कहीं और हैं। यानी आपके अनुभव में ये तीनों पहचानें अलग हैं। एक बार जब ये तीन चीजें अलग हो जाती हैं, तो फिर ये पूछने का सवाल ही कहाँ है कि शरीर की प्रक्रिया, मन की प्रक्रिया, इनका आपस में क्या लेना देना है, क्या कोई संबंध है? ऐसा कुछ नहीं है। अब ओ तो अगर मैं ध्यान करता हूं तो मैं सेक्स नहीं कर सकता, अगर मैं सेक्स करता हूं तो मैं ध्यान नहीं कर सकता, बात यह नहीं है। ध्यान कोई काम नहीं है, ये गुण है। अगर आप अपने शरीर, मन, ऊर्जा और भावनाओं को एक स्तर तक परिपक्व कर लेते हैं तो आप ध्यानपूर्ण हो जाते हैं।